Vivo V20। तो गाइज फाइनली Vivo V20 के अंदर एक लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट जो आ चुका है। तो फ्रेंड्स कैसे अपडेट करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, जैसे कि आपका डेटा डिलीट ना हो, ओनली फॉर आपके फोन का सॉफ्टवेयर ही अपडेट हो, सब कुछ मैं आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ। तो प्लीज वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखे रहे, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसे वीडियो आप तक पहुंचाते रहे। हेलो वेलकम दोस्तों, मैं हूं किशोर, आप देख रहे हो राधे बीट्स। तो आइए चलिए देखते हैं। तो दोस्तों ये हमारे पास Vivo V20। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल इसका वाईफाई जो आपको कनेक्ट कर लेना है। जैसे गाइस आप इसका वाईफाई कनेक्ट करते हो, फिर आपको चले जाना है सेटिंग्स में। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा वाईफाई जो कनेक्ट हो चुका है। फिर गाइस जैसे आप सेटिंग्स में जाते हो और नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिस्टम अपडेट, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे दोस्तों यहाँ पे आप क्लिक करते हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो फन टच ओएस न्यू वर्जन फाउंडेड 8.70.23। इसकी साइज भी यहाँ पे आप देख सकते हो 268 MB का सॉफ्टवेयर अपडेट आया है। और गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो जून का ये सॉफ्टवेयर अपडेट आया है, बट मेरे फ़ोन के अंदर अभी ये शो कर रहा है जून का सॉफ्टवेयर अपडेट। और इस अपडेट के अंदर कंपनी ने क्या कुछ न्यू चेंजेस किया है, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज में देखने को मिल जाती है। तो आप चाहो तो इसको भी रीड कर सकते हो। तो गाइज़ ये मैंने डाउनलोड करके ही रखा है। जैसे आप डाउनलोड कर लेते हो, तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, एक है इंस्टॉल नाउ और दूसरा है नाइट अपडेट। अभी रिसेंटली इस फ़ोन के अंदर ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, तो इंस्टॉल नाउ पे आपको क्लिक कर देना है। वेरीफाइंग अपडेट पैकेज लिखा हुआ आ जाएगा। अभी गाइज हमारा फ़ोन जो अपडेट की प्रोसेस में चला गया है, अभी आपको कुछ भी नहीं करना है जब तक ये स्टार्ट नहीं हो जाता, और अभी जितने भी प्रोसेस होगी वो ऑटोमेटिकली होगी। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो इंस्टॉलिंग द अपडेट पैकेज, डोंट प्रेस एनी बटन आफ्टर द अपग्रेड, यानी कि जब तक हमारा फ़ोन जो ऐसे अपडेट की प्रोसेस में है, तो आपको जल्दबाजी में आके कोई भी कीज जो प्रेस नहीं करनी कि अरे यार हमारा फ़ोन क्यों स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो आपको जल्दबाजी में आके कोई भी स्टेप नहीं उठाना है, शांति से वेट करना है। अभी जितनी भी प्रोसेस होगी ऑटोमेटिकली होगी। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने स्टैंड पे जो फ़ोन लगा दिया है, मतलब इसको छूने की भी ज़रूरत नहीं है। तो गाइज़ यहाँ पे आप देख सकते हो Vivo की ब्रांडिंग आ चुकी है, और वो प्रोसेस ख़त्म होने में तकरीबन 3 या 5 मिनट जितना टाइम लगा था, तो आपको उतना जो वेट करना है। और गाइज़ यहाँ पे आप देख सकते हो अगेन Vivo की ब्रांडिंग आ चुकी है। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्टिमाइजिंग द एप्स 128 apps इसके अंदर जो ऑटोमेटिकली फास्टली जो ऑप्टिमाइज हो रही है, और ये प्रोसेस इस फ़ोन के अंदर बहुत ही फास्टली हो रही है, जैसे कि यहाँ पे आप देख ही सकते हो। तो गाइस फाइनली हमारा फ़ोन जो स्टार्ट हो चुका है, और अपडेट के बाद फर्स्ट टाइम हमारा फ़ोन जो स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत लैगिंग वगैरह महसूस हो सकता है, फिर ये अपने आप ठीक हो जाता है। और गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो ये मैंने खुद कस्टमाइज़ किया है, ऐसा आता नहीं है Vivo के फ़ोन में, बट ये सारी चीज़ें जो मैंने ऐसे मैं इसको प्राइमरी डिवाइस तौर पे यूज़ करता हूँ, तो ये मैंने खुद ऐसे कस्टमाइज़ किया है। और गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो सेटिंग्स में जाके कि कम्प्लीटली सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ है कि नहीं, तो सेम वही प्रोसेस सेटिंग्स में जाना है। फन टच ओएस यहाँ पे आप देख सकते हो द सिस्टम इज़ ऑलरेडी द लेटेस्ट वर्जन। तो कुछ इस तरीके से आप अपना फ़ोन जो अपडेट कर सकते हो। तो एप्लीकेशन की आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपका कोई भी सुझाव हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि मैं रोजाना ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच, बाय बाय फ्रेंड्स।